गुड मॉर्निंग पीपल. गुड मॉर्निंग. हम लोग जा रहे हैं अभी आज ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोगों को जिम जाना है. जिम जाना है. जिम के बाद विल गो टू फैट फिश अगेन. थाली लंच तो वहीं करेंगे ना बेबी. अच्छा ठीक है, इसका तो लंच ही नहीं खत्म होता. चलिए चले हमारे साथ. चलेंगे, आ जाओ. टडन टडन. कोई भी नहीं है बेसमेंट में ना. वीडियो अलाउड नहीं है. अंदर ले जाना भी अलाउड नहीं. और किसी के फोन्स हो तो आपको मालूम है फोन से वीडियोस बनते हैं. कैसे कैसे आपको पता लगेगा कि फोन से कोई वीडियो बना रहे हैं? कैमरा से ना यहाँ पे. ओके, यहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं. बाकी अंदर सब वीडियो बना रहे होंगे, वो अलग बात है. नहीं बनाते हैं. अरे मैं बता रही हूँ बना रहे होंगे. इन्होंने मुझे कंफ्यूज किया है. देख लो अब आप आ गई हो फ्रेम में. एक्चुअली ये कैसीनो है. आई एम सॉरी वी डिडंट नो. मेरे को लगा अंदर ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट के लिए कैमरा क्यों नहीं अलाउड है? खाना ऐसा कौन सा पका रहे हो? सोना, मुझे लगा सोना वोना डाल रहे हो खाने में. कौन सा फ्लोर है? अंदर कुछ कैसीनो वसीनो था जिसको मैं ब्रेकफास्ट समझ रही थी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग राघव. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग वासुदेव. मूली पराठा. नहीं 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 नहीं. पूरी सांबर. एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट एग भुर्जी? फिर तुम भी खाओगे क्या एग भुर्जी या ऑमलेट खाओगे? नहीं मैं ऑमलेट खाऊंगा. चीज ऑमलेट उत्तपा तो है ही नहीं. जो चाहिए वो है ही नहीं. अरे तुम अच्छी चीज कब से खाने लग गए हो? फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है. साल में एक बार. फैट फिश कब चलेंगे? हैं? फैट फिश कब चलेंगे? देखा आ गए ना. ब्रेकफास्ट पे तो हम लोग ज़्यादा बात ही नहीं कर पाए और ना ही ब्लॉग बना पाए बिकॉज वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल देयर. वहाँ तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब आने के बाद क्विकली वी आर लीविंग फॉर फैट फिश. तो मिलते हैं फैट फिश पे. अच्छा अभी गाड़ी आई नहीं है, तब तक कॉफ़ी पी ले बैठ के. ये हमारे मास्टर जी हैं, इनको मेरे एक डांस ब्लॉग में आपने देखा होगा. मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, इन्होंने मेरे को बहुत नचाया है, बीमारी में भी नचाया है. और ये हैं राघव. हेलो. इनकी फिल्म आने वाली है. अल्फा मचा के गई. मैंने इसकी फिल्म में इसी के साथ दो गाने भी किए हैं. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म. इनके जो फादर हैं वो मेरे राखी ब्रदर हैं. एक दूसरे से नफरत करते करते हमें एक दूसरे से इतना प्यार हो गया कि हम भाई बहन बन गए. मास्टर जी, ये मैं आपके बारे में क्या सुन रही हूँ? आपकी गर्लफ्रेंड है? बच्चे लोग बोल रहे हैं ये उम्र में गर्लफ्रेंड आए तो बहुत लकी है. बच्चे लोग के पास गर्लफ्रेंड नहीं होता मतलब. और वो बोल रहे हैं ये बच्चे की गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जो बच्चे इनके बारे में बता रहे हैं वो भी सच ही है. इसे कोई खतरा नहीं लोगों को. खतरा नहीं है बोले तो? खतरा बिल्कुल नहीं. वो डैडी डैडी समझते हो फिर गर्लफ्रेंड है. वो डैडी समझते हैं, आप क्या समझते हो वो मेन बात है. कोई नई लड़की मिली नहीं, गर्लफ्रेंड मिलेगी तो बता दूंगा आपको. सबसे पहले पिछले हफ्ते की बात है. तुमने इनको रंगे हाथों पकड़ा था? रंगे हाथों? उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया था. रंगे मुझे भूल गए थे उसके बाद. ये आपकी वाइफ तक पहुंचेगा ये ब्लॉग, ध्यान से देखो. निशा जी जरा ध्यान से देख लेना मास्टर जी को, इनकी हरकतें. वो खुश हो जाएगी उल्टा मेरे. क्यों खुश हो जाएंगी? बोले अच्छा जान छुटी. स्कूटी का आइडिया ड्रॉप कर दिया. स्कूटी हमने ली हुई है, बट क्योंकि मास्टर जी भी साथ में हमारे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि गाड़ी में ही जाते हैं, वरना ये विनाश मुझे स्कूटी पे लेके धक्कम पेल करता. फिश थाली खाने के लिए स्पेशल जा रहे हैं आज हम लोग. आप वहीं पे बेहोश हो जाओगे थाली खा के. थाली के ऊपर ही सो जा रहा. सच बता रही हूँ, कांटों के ऊपर ही आपका मुंह होगा. बेबी सेम टू सेम. ऊपर देखो जो फैट फिश बनी हुई है. वी कैन ऑर्डर फॉर टू थालीज. कालामारी. सो वी जस्ट ऑर्डर फॉर टू थालीज एंड वन कालामारी माई फेवरेट. तो मेरे को एक लच्छा पराठा और राइस. पहले खाने दो उसके बाद ऑर्डर कर लेना. ओके ठीक है. ये हमेशा ये अविनाश की आदत है कि इतना खाना मंगाना चाहता है. इतना जबकि खाना इतना ही है, लेकिन इसको खाने से ज़्यादा मंगाने की भूख होती है. किंगफिशर.
थाली है ये, तुम पूरी अकेले खाने वाले थे और इसके बाद भी तुम्हें और बहुत कुछ चाहिए था? लच्छा पराठा वो भी आया है, मैं देखना चाहती हूँ तुम कितना खाते हो। देखो ब्राह्मण को कभी खाने के नाम पे चैलेंज मत करना। बेबी तुम तो और भी मंगवाना चाह रहे थे ना कुछ? मंगवा सकते। और ये जो है ये सब, एक तो तुम सारी थाली अपनी तरफ झुका लेती हो ना। मैंने अपनी तरफ डबल एफर्ट करना पड़ता है उधर जाने के लिए। तुमने सब कुछ खाया है, सारी तुम रोटियां खत्म कर गए। तुम्हारी ना सिर्फ आंखों की भूख होती है, पेट की नहीं। हवसी खाने की हवस। काफी फिट हो गए हो यार। काफी फिटनेस दिख रहा है। क्या राज है? यही राज है आपकी फिटनेस का? जितना भूख हो उससे दो गुना ज्यादा खाइए, यही राज है हमारी फिटनेस का। और खाना अविनाश ने इस तरह से खाया है, हाँ ये 15 दिन तक आगे भूखा रह सकता है। शेर खाता है ना, एक ही बार में पूरा खा जाता है, फिर अगले 15 दिन उसके ओके हो जाते हैं। वैसे ही अविनाश का भी हाल हुआ है। और अब नाउ वी आर हेडिंग टू वेयर? घोड़ा फोर्ट। हाँ बहुत, हम वैसे जा चुके हैं घोड़ा फोर्ट कई बार। घोड़ा फोर्ट नहीं, अगवाड़ा फोर्ट। हम वैसे अगवाड़ा फोर्ट कई बार जा चुके हैं, लेकिन आपको दिखा देते हैं। मतलब उन्होंने कभी नहीं देखा हुआ? अरे आप लोगों ने तो देखा ही होगा। अरे उन्होंने तो शेर भी देखा है, हमें तो दिखा नहीं। शेर देखने से पहले मेरा कुछ ऐसे ही हाल था। शेर देखने के बाद ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, दिखेगा फिर, कभी दिखेगा। चलिए चलते हैं अगवाड़ा। कब हुई शादी? और मैं संभावना से तो खतरनाक। अरे अच्छा ऐसा है क्या? मतलब खतरनाक नहीं, जो एंटरटेनमेंट वाला खतरनाक होता है। अच्छा मतलब आपका अगर उसमें कोई नहीं है एपिसोड में तो मुझे एपिसोड नहीं लगता था। ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच। आते ऐसा मुझे चले के झाड़ पे चढ़ा। नहीं नहीं सीरियसली सीरियसली, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, काफी जिंदा दिल इंसान हूं। जगह का जो नाम है क्या है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और पानी है। देखिए इस पानी की खासियत यह है कि ये पानी है। बात करते हैं। अच्छा I thought sorry, yes no issue। आज लाइफ में पहली बार किसी ने संभावना को आके कहा है कि मैम फोटो, तो संभावना ने कहा हाँ हाँ आइए आइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी खींच दीजिए, और मैंने खींची भी है। मैं बहुत बहुत बेइज्जती हुई है, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। संभावना ने कहा बरिस्ता चलेंगे, मैंने कहा चलेंगे, कहाँ पर है? तो उसने कहा वो उसके पीछे जहाँ गए थे ना उसके वहाँ पे, उसके पीछे एक उसका वो है, वहाँ पर वो है। और मैं इतनी आसानी से समझ गया। अच्छा ये प्रॉब्लम है कि मैं आधी, मतलब जो मेन चीजें हैं वो बोलती नहीं हूँ, आधी अधूरी बोल के, और इसको खुद को समझना होता है। शब्दों का हेर फेर संभावना बहुत करती है। हो सकता है आपको अपना चश्मा पकड़ाए और बोले कि मेरा मोबाइल संभाल के रखना, और मैं आने के बाद अपना वॉलेट मांगूंगी। अरे औरंगुटान क्यों जरूरी है? लड़कियां एक स्टाइल ही मार के बैठनी चाहिए, जैसे अच्छा लगे वैसे बैठो। ऐसे अच्छा लग रहा है? अच्छा तुम कुछ क्रिएटिव करना चाह रही हो? अलग स्टाइल मार के तो सब लोग लड़कियां ऐसे बैठ ही सकती हैं। ऐसे बैठो, ऐसे बैठ के दिखाए कोई लड़की यहाँ जो एकदम ही ऑकवर्ड लगे तो कोई बात हो। गुड बेबी आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा है। फिर से दिखाऊं फुल? वाह चले वहाँ पे जो उसके पीछे उसका वो है। मास्टर जी को सडनली जवानी चढ़ी है, देखो। मास्टर जी को गोवा का बुखार चढ़ा और अब उसको कह रहे हैं बच्चों के साथ फोटो खींचनी चाहिए। मान तो कहीं से नहीं रहे ये बच्चे, काफी रंगीन किस्म के आदमी हैं मास्टर जी। हम लोग होटल में वापस आ गए हैं और मैंने सैलून में अपॉइंटमेंट लिया हुआ हेयर के लिए। हाँ जी हाँ, मुझे वॉश भी चाहिए, हेयर वॉश भी करना है।
और रूम में वापस एंड देन मेकअप. गुरु हैज डन अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू सो मच गुरु. वैसे मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे बाल इतने अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे बना दिए. सो आई एम ऑल सेट टू लीव. मुझे नहीं पता कि अंदर जाके एक्चुअली इवेंट में जाके मैं कुछ वहाँ पर शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट कोशिश जरूर करूँगी. बेबी कैसा लग रहा हूँ मैं? वेरी नाइस. मैंने मेकअप तो अच्छा किया है, देखो. चले तो चले. ब्यूटी एंड द बीस्ट. सब लोग बोलो. Very very happy birthday to you. आफ्ताब जी की तरफ दोबारा माइक को घुमा देते हैं, उनको दोबारा कुछ बोलना. किसको भूख लगी है? अबे केक के लिए, केक के लिए भूख. संभावना रूना जी. इवेंट ओवर. हमारे अंदर सारी एनर्जी वापस आ गई जैसे ही पता लगा है कि इवेंट खत्म.